ओके निशा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हंसना मत मुझ पे बिल्कुल भी। हेलो ला बंधु, नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका अपना गरीब यूट्यूबर मंथन शर्मा और गरम जोशी के साथ आपका स्वागत करता हूँ कॉफी विद मंथन में। और आज हमारे साथ वर्चुअल कॉफी का आनंद लेने के लिए हाजिर हुई है निशा। निशा एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब का चैनल है ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा के नाम से। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी नेम दिख जाएगा चैनल का और इनकी प्रोफाइल भी दिख जाएगी। इसके अलावा आज इनके साथ वर्चुअल कॉफी पे जाने के लिए एक बहुत जरूरी कारण है, वो ये है कि इनके चैनल पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। वो जो टॉपिक है वो है इको फ्रेंडली वेज ऑफ डिस्पोजिंग सैनिटरी पैड्स। ओके, तो उसके बारे में आज हम निशा से विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ निशा आप अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से एक बार खुद दे दीजिए, मैं इधर उधर कर देता हूँ बातें इसलिए। Hi everyone, my name is Nisha Arora and I have a YouTube channel named Beauty Express with Nisha. जिसमें मैं जो videos upload करती हूँ that is related to skincare, haircare, shopping hauls and about lifestyle. So जो मेरा main motive है इस channel को start करने का that is to empower women. तो मेरी बहुत सी videos में social messages मैंने उसमें share किया है, तो आई विल फील ब्लेस्ड कि मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन की हेल्प कर सकूं। लवली है। ओके निशा, तो अपने सैनिटरी पैड्स के डिस्पोज करने से ही लेके मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। एक तो ये है कि जैसे अपने नॉर्मल वुमेन होती है वो जब सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज करती है तो वो कौन कौन से गलत तरीके है जिस तरीके से वो करती है और उसका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इस बारे में आप बताएं। तो बहुत से ऐसे जो गलत तरीके हैं जो वुमेन यूज करती है, स्पेशली जो विलेजेस की जो वुमेन है उन वो अवेयर ही नहीं है बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो वो जो अपना सैनिटरी नैपकिन्स हैं कुछ जला देते हैं उनको, राइट, या फिर कुछ जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या कुछ ऐसे ही किसी गार्बेज में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सारे गलत तरीके हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी सैनिटरी नैपकिन को जला देते हो तो उससे जो गैसेस निकल के आएंगी वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी, राइट, या और जो कुछ जमीन के अंदर गाड़ देती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको डीकम्पोज होने में 500 से 800 साल लग जाते हैं, तब तक वो उसके अंदर डीकम्पोज ही नहीं हो पाता है। या कुछ ऐसे ही जो किसी भी गार्बेज के ढेर में फेंक देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल अगर आता है एंड उसको टच कर देता है तो उसको भी कोई डिजीज हो सकती है। या जो रैक पिकर्स होते हैं जो कूड़ा उठाते हैं तो वो अपने मतलब बेयर हैंड से ही सब अलग करते हैं, तो आपके वो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स को ऐसे ही उठा लेते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन का डर होता है। तो ये सारे गलत तरीके हैं और इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ओके, और अच्छा यदि सही तरीकों के बारे में बात करें तो वो क्या है? तो सबसे पहले तो कुछ टाइम पहले इन्वेंट हुआ है जिसका नाम है इंसिनरेटर। तो ये एक मशीन है जो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड बट उसमें क्या होता है कि आप यूज अपना सैनिटरी नैपकिन डाल देते हो एंड वो बर्न हो जाता है। उसमें ये होता है कि वो मशीन के अंदर बर्न होता है तो कोई भी जो गैस है वो बाहर नहीं आती है। और उससे कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है बिकॉज जो मैंने अभी बताया वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप नॉर्मली कोई भी सैनिटरी पैड डिस्पोज करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो स्वच्छ भारत है उसके अंदर उन्होंने एक कैंपेन चलाया है जो है रेड डॉट कैंपेन। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जब आप डिस्पोज करने जाते हैं तो आप किसी चीज में कवर कर लें, एनी न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर, एंड उसके ऊपर आप रेड डॉट मार्क कर दें। उससे क्या होगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगा उन्हें कि इसके अंदर आपका सैनिटरी नैपकिन है, तो वो अलग से इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इस ये सारे तरीके हैं, सही तरीका है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लवली यार। ओके, वैसे कुछ लोग फ्लश भी कर देते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टॉयलेट के अंदर फ्लश वो बहुत ज्यादा गलत है बिकॉज़ आपका फ्लश भी ऑब्वियसली खराब हो जाएगा उससे एंड वो फिर
इजीली डिस्पोज ऑफ भी नहीं हो पाएगा। लवली है। ओके तो ये बताइए आपका पर्सनल फेवरेट वीडियो कौन सा है आपके चैनल से? हाँ जी, उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो पीरियड्स के फैक्ट्स हैं, तो वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि उसमें वो काफी इंफॉर्मेशनल भी है, बहुत से लोगों की हेल्प भी होती है उसपे। ओके किसी को ढूंढना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको डायरेक्ट मैसेज करे तो आप लिंक शेयर कर देंगे? बिल्कुल, मैं भी कर दूंगी। इनफैक्ट वो खुद यूट्यूब पे जाके भी ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा जब वो टाइप करेंगे तो उसमें वो सबसे पहले वो वीडियो अलग से फ्लैश हो जाएगी होम पेज पे। ओह लवली, ठीक है, थैंक यू वेरी मच निशा कॉफी विद मंथन का पार्ट बनने के लिए। आपके साथ वर्चुअल कॉफी लेके बहुत 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 अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।